अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम 365। जहन्नम से निजात का अशरा शुरू होने में एक रोज एतकाफ करने वालों के लिए मसाजिद खुलेंगी या नहीं, महकमे औकाफ गुमगु का शिकार। महकमे औकाफ अपने जिले इंतजाम मसाजिद में एतकाफ पॉलिसी वाजे ना कर सका। मसाजिद इंतजामिया ने महदूद एतकाफ की तैयारियां शुरू कर दी। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी राहिल, आगाह कीजिएगा, कब तक फैसला मुतवक्के है? इतकाफ में एक रोज रह गया और कल बाद नमाज असर जो है इतकाफ पर बैठने वालों ने जो है वो मसाजिद का रुख करना, लेकिन महकमे औकाफ की जानिब से अभी तक कोई जामिया पॉलिसी सामने नहीं आ सकी, ना अभी तक फैसला किया जा सका है कि मसाजिद में जो है वो इतकाफ में लोगों को बैठने की इजाजत होगी या नहीं होगी। इस हवाले से जब हमारी बात हुई महकमे औकाफ के तर्जमान की, तो उनका कहना यह था कि हुकूमत की जानिब से जो 20 नकाब जारी किए गए हैं तो उसमें यह कहा गया था कि लोग जो है वो घरों में इतकाफ करें, लेकिन मुतद्दिद उलमा की जानिब से खुसूस जामिया अशरफिया की जानिब से फतवा भी जारी किया गया कि मर्द जो है वो घरों में इतकाफ नहीं कर सकते। इस वाले से अभी तक कोई वाजह पॉलिसी नहीं बरसा बन सकी, जिसकी वजह से महदूद पैमाने पर जो है मसाजिद के इंतजामिया ने खुद जो है वो इतकाफ की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी। इस वाले से कहा यह जा रहा है कि बादशाह मस्जिद में 4 अफराद को इतकाफ में बैठने की इजाजत दी जाएगी, दाता दरबार में 2 मुलाजमीन को इतकाफ में बैठने की इजाजत दी जाएगी। इस तरह जामिया नेमिया में भी 4 से 5 अफराद जो है वो इतकाफ में बैठ सकते हैं, क्योंकि उनमें इकराम का कहना यह कि किसी भी इलाके की मस्जिद जो है वो इतकाफ के बगैर खाली नहीं रही जा सकती, किसी ना किसी फर्द को इतकाफ में बैठना लाजमी होगा। हुकूमत की जानिब से कोई वाजह पॉलिसी अभी तक इस बारे में सामने नहीं आई, इसलिए मसाजिद के इंतजामिया ने खुद जो है वो इंतजाम शुरू कर दिए और कल जो है बाद नमाज असर जो है शहर भर की मसाजिद में जो है महदूद पैमाने पर लोग जो है वो इतकाफ में बैठना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।